गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिनी की ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब लोग, आए सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। गाइस ब्लॉग बहुत टाइम बाद आया क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ बिजी हो गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने ब्लॉग बना के रखे थे, तो जब मैं गाँव गई थी तो मैंने अपना ब्लॉग शूट किया था। और गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज अपना गाँव। गाइस गाँव देख के आप तो सिर्फ एक ही बात बोलोगे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। गाइस सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो गाइस देखा आपने मेरा गांव कितना प्यारा है, सच में लुकिंग लाइक अ वाव जैसा है। और गाइस इतना ही छोटा नहीं है, और भी अभी आगे बढ़ा है क्योंकि मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ, अभी मॉर्निंग टाइम है तो मैं अभी एकदम से नहीं जाए गई। तो अभी काफ़ी बड़ा गांव है, मैं अगले दिन ही आपको दिखाऊंगी गाँव। देखिए गाइस आप, इतना प्यारा है। तो यहाँ पे जेंट्स भी सारे काम करते हैं और लेडीज़ भी करते हैं। तो भैया देखो गाय को पानी दे के आ रहे हैं, और मुझे बोला कि मुझे भी वीडियो में शूट कर, तो इसलिए मैंने भैया को भी ऐड किया है वीडियो में थोड़ा। और यहाँ पे हमारी चाची जी जो आलू के खेत में बैठी हुई है और आलू निकाल रही है। तो इस घर में, गांव में पूरा खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होता है, बिकॉज यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पूरी खेती होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए घर के पास से ही आलू प्याज मतलब गेहूँ, ये इन्हीं को सीढ़ीनुमा खेत बोले जाते हैं। क्योंकि मुझे भी बाद में ये समझ आया था जब मैंने अपने गाँव में जाके देखा था। यहाँ पे एक मौसी जी है जो ओनियन के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, और इस वाले खेत में यहाँ पे सरसों बोई गई है इनके पिछले खेत में, और यहाँ पे ओनियन के लिए रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे गेहूं की बुआई बहुत अच्छे से हुई है। और ये नहर है जिससे गांव के ऊपर एक छोटा सा तालाब टाइप का, जहाँ से पानी सब होता है पूरे खेतों में। और नहर अभी थोड़ी हालत इसकी ख़राब हो गई है, एक्चुअली ये थोड़ी टाइम बाद ही रिपेयर होगी, जब नया प्रधान चुनाव होते हैं ना गांव में, प्रधानों के वही चुनाव होंगे, फिर ही जाके ये रिपेयर होगी। और गाइस ये देखिए गेहूँ को बचाने के लिए बंदर से या चिड़िया से, बंदर तो गाँव में आते नहीं है, बहुत कम आते, बट चिड़ियाएँ जो होती हैं उनके लिए बचाने के लिए पॉलीथीन ऐसा लगाया जाता है। ये देखिए पूरे अच्छे से कवर किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाएँ खेत में नुकसान ना करें मतलब कुछ भी। अब मैं यहाँ से आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। गाइस देखिए कितना प्यारा है ना, छोटे छोटे पहाड़, पेड़ पौधे और खेती, गांव के अंदर ही सारा कुछ है, मिक्स है ये हमारा। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि मैं आपको अपना गांव ही दिखाना चाहती थी ब्लॉग में, जो मेरी बहुत दिल से ख्वाहिश थी, तो मैंने आज वो दिखा लिए। छोटे छोटे पहाड़ है, बस इसी पहाड़ में पास में मेरा मामा का गांव भी है जहाँ हम आना जाना कर लेते। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।